Good morning, children. So we are back in English class, and today is 5th January. So the topic for today is uh, value of newspaper, and we have to write an essay on this topic. So we all know what a newspaper is. newspaper English ka. So one more thing important, children, you should have habit of reading it daily at least one article you should read from it so today we are going to talk about the importance of newspaper the value of newspaper so i will be sending you the written essay of it and i'll be reading it for you once please pay attention uh, and open that pic and then start uh, watching my video okay so we'll start newspaper is one of the greatest means of communication between people and world in addition, they are also a great medium of knowledge. It is one of the oldest form of mass communication in the world. It is a reliable source as it gives information only after thoroughly investigating the information. It contains news articles from around the world on different topics like politics, sports, entertainment, business, education, culture, and many more. The newspaper also contain opinion and editorial column, weather forecast, political cartoons, crossword, daily horoscope, public notice and lot more. So ये जो इस paragraph में हमने किया है, I'll explain it to you in Hindi so that आपको याद करने में भी ये easy रहे। बहुत आसान सा ऐसे है बेटा। Newspaper सबसे greatest means है communication का। Communication क्या? एक दूसरे से जो हम uh, किसी भी अपनी बात को अगर कहीं पहुंचाना है तो हम सबको फ़ोन करके नहीं बता सकते ना कि ये न्यूज़ है या गवर्नमेंट ने कुछ अगर रूल्स नए फॉर्म किए हैं या कुछ नया उनकी स्कीम्स आती हैं या कुछ भी नया है गवर्नमेंट की तरफ से या किसी तरफ से तो वो क्या करते हैं लोग दे पुट इट ऑन न्यूज़पेपर बिकॉज सबसे आसान तरीका है लोगों तक पहुंचना आसान और सस्ता भी ठीक है और ये नॉलेज के लिए भी एक बहुत अच्छा सोर्स है बिकॉज अगर आप कभी पढ़ते हो तो देखो कितनी नॉलेज आपको मिलती है यहाँ से कितने अलग अलग तरीके के कॉलम्स में कहीं पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पता चलेगा दूसरी जगह पर साइंस के बारे में खेल के बारे में तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में यू गेट टू नो फ्रॉम द न्यूज़पेपर इट इज रिलायबल सोर्स एज इट गिव्स इन्फॉर्मेशन ओनली आफ्टर थारली इन्वेस्टिगेटिंग द इन्फॉर्मेशन तो आ, कोई भी बात जो न्यूज़पेपर पर प्रिंट होती है वो कभी भी बिना किसी प्रूफ के बिना किसी उसके आ, आपके पास नहीं पहुंचेगी वो न्यूज़ तो जो रिपोर्टर्स हैं जो मीडिया के जो पीपल हैं दे फर्स्ट इन्वेस्टिगेट वो पूरे फाइंड आउट करते हैं उस बात को उसके पीछे सच्चाई कितनी है कितना उसके पीछे फेक है तभी वो न्यूज़पेपर में प्रिंट होती है उसमें हमें डेली हॉरोस्कोप और ये सब भी देखने को मिलता है

तो पहले इसके ऊपर एक स्टैम्प लगती थी अब तब तक ये ऑथेंटिकेटेड ही नहीं था फिर इसके ऊपर स्टैंप लगनी बंद हो गई तो अब ये एंड इट इज चीपर न्यूज पेपर हैल्सो लेटर्स प्लान बेटर तो न्यूज पेपर हमें हमारे जो आगे प्लान है उनको बेटर कैरी करने की हेल्प करता है <coughs> Government and other official announcements are done in a newspaper. So government koi an official announcement, though we get to know it from a newspaper. We also get employment-related news from it. It is important part of our life. Although the digital era and electronic media took over many things, but the newspaper are equally important. Toh हमें हमारे पास और बहुत सोर्स है हम यूट्यूब से बहुत न्यूज़ देख लेते हैं हमारे पास न्यूज़ चैनल जो हैं टीवी पर बहुत सारे चलते हैं और अब तो मोबाइल पर इंटरनेट पर भी हर न्यूज़ जो है पहले आ जाती है बट स्टिल जो इम्पोर्टेंस न्यूज़पेपर की है वो न्यूज़पेपर की ही रहेगी वो कभी भी उसको कोई भी और चीज़ टुकूवर नहीं कर सकती ऑल दो सबके हाथ में सेल फोन्स हैं कुछ भी किसी को पता करना है व्हाट्सएप और बहुत सारी और एप्लीकेशंस हैं कि जो बहुत इजीली आप एक छोटी सी बात को हर जगह फैलाना है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो स्टिल न्यूज़पेपर आर इक्वली इम्पॉर्टेंट ओके सो आई होप इट इज़ ई ईजी एस ए फॉर यू प्लीज रीड इट टू और थ्री टाइम्स ये तीन पैराग्राफ्स में है आपको इसको वन वन पैराग्राफ करके रीड करोगे टू टाइम्स थ्री टाइम्स तो आपको ये लर्न भी हो जाएगा स्पेलिंग्स आर ऑल्सो नॉट वेरी डिफ़िकल्ट Please try to learn it, okay? So, have a very beautiful day ahead. Bye bye.